प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने कहा, सरकार नेम प्लेट के जरिए अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके बजाय उन्हें रोजगार, महंगाई, गरीबी और बढ़ते बुनियादी ढांचे पर बात करनी चाहिए। उन्हें उन नीतियों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए लाई जा सकती हैं। प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है, तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने जयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात लखनऊ स्थित राजभवन में हुई है। हालांकि इस मुलाकात को अब सियासी नजरों से देखा जा रहा है। श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है। सावन के पहले सोमवार पर लखनऊ सहित प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से ही मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह की आरती के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। यूपी की सियासत एक चिट्ठी से और तेज हो गई है। दरअसल आरक्षण को लेकर एक चिट्ठी वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग को लिखी है। ये चिट्ठी बीते वर्ष अगस्त महीने की बताई जा रही है। तब केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग को एक पत्र लिखा था, लेकिन अब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। सीएम योगी के इस फैसले को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा ने कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार नाम लिखा कर मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि जब राम लिखना सही है तो रहीम लिखना गलत क्यों, इस पर रुचि वीरा ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि दोनों गलत है। दुकान का नाम लिखना काफी है, बाकी ही गलत है। कांवर यात्रा के रास्तों पर नेम प्लेट जरूरी किए जाने का विवाद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल अब कांवर रूट के बाद अब प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में भी पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र साथ होने की मांग की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब बसपा अपने ग्राफ को बढ़ाने में जुट गई है। ऐसे में बसपा का जनाधार बढ़ाने को आकाश आनंद सभी राज्यों का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हरियाणा से शुरुआत हो सकती है। बसपा का दिल्ली कार्यालय आकाश का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा में आपसी मनमुटाव तेज होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 27 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है। इन सबके बीच सामने आई खबरों की माने तो सीएम योगी से पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात मीटिंग के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री की पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी दिल्ली में मुलाकात संभव है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद बसपा में मची आपसी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में पार्टी के अंदर से ही विरोधी आवाजें उठ रही हैं। उसने न सिर्फ भाजपा बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। संघ का मानना है कि अगर ऐसा ही रहा तो उनकी कई वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। यही नहीं, इससे संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को भी नुकसान होगा। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से तैयार किया जा रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो असली है। इसमें AI तकनीक के प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।